हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से हो गए। वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का टॉपिक यह है कि मैं कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और किस तरह से एडिटिंग करता हूँ, वो सब प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास लैपटॉप भी है, लेकिन मेरे लैपटॉप में मुझे एडिटिंग करना अभी फ़िलहाल आता भी नहीं है। तो इस वजह से मेरे पास मोबाइल है iPhone 6 Plus, तो इसी मोबाइल से मैं एडिटिंग भी करता हूँ और इसी से यूट्यूब पर अपलोड भी करता हूँ सब कुछ। मेरा ब्लॉगिंग भी जो है वो वीडियोज़ भी हैं वो इसी मोबाइल से बनाता हूँ मैं। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पर चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास तीन ऐप है, ये थंबनेल के लिए मैं यूज़ करता हूँ, ये पिक्सआर्ट यूज़ करता हूँ, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये पिक्सआर्ट, और VN में पहले यूज़ करता था लेकिन अभी मैं कैपकट यूज़ करता हूँ। ये मैं अगर आप कोई न्यू वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो ऐड करना, फ्री सॉफ्टवेयर है। तो न्यू प्रोजेक्ट पर गए, उसके बाद जो वीडियो एडिट करनी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करो, जितनी एडिट करनी है ये सिलेक्ट की, तो सिलेक्ट पर ओके। और अगर ये आपने यहाँ से अगर वीडियो भी सेंटर से कट करनी है तो ये कट पर ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये स्विफ्ट कर दी, उसके बाद बस ये पूरी वीडियो है। तो अगर आप कोई सॉन्ग लगाना चाहते हो, कोई आप ये नीचे ऐड ऑडियो पर क्लिक किया, ऐड ऑडियो पर ये आप सॉन्ग है, ये इसके कुछ अपने सॉन्ग होते हैं तो ये भी है, और ये योर फोन में गए, योर सॉन्ग्स में गए, तो यहाँ पर वो सॉन्ग्स आएंगे जो आपके मोबाइल डिवाइस में है, सॉन्ग्स हैं। तो सेलेक्ट करो, मेरे फिलहाल कोई डिवाइस में कोई सॉन्ग नहीं है, तो इस वजह से मैं भी कोई सा भी यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसी तरह ये इफेक्ट्स वगैरह भी है, इफेक्ट्स में जाके कोई भी आप इफेक्ट्स लगा सकते हो, डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं और भी बहुत इफेक्ट्स हैं। तो ये और एनिमल्स इफेक्ट्स हैं, इसी तरह इसको बंद करके आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने भी इस वीडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, तो मैं भी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने भी वॉइस में मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग अभी किया, और ये अगर आप कुछ अगर ग्रीन स्क्रीन आपके पास है तो इसमें जाके आप ग्रीन स्क्रीन का भी लगा सकते हो, जिसको बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, तो भी मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। सिलेक्ट कर लिए, देखो अभी इसमें जाकर ये इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करके ये ग्रीन स्क्रीन इसको बैकग्राउंड हटा देना है। बैकग्राउंड हटाने के बाद ये इस तरह कुछ लगेगी आपको देखने में। तो उसके अलावा अगर आप कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं, कोई शेक वगैरह लगाना चाहते हैं, इसमें फिल्टर का कुछ ऑप्शन है काफ़ी ज़्यादा, इसमें फिल्टर है और ये आपको सब कुछ फ्री में मिलता है, इसमें कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में मिलता है। और टाइपिंग टेक्स्ट वगैरह भी आप कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट अभी जिस टाइम मैंने ये लिखा ये मैंने टेक्स्ट किया। उसके अलावा इसका स्टाइल, इसके इफेक्ट्स हो गए, इसके एनिमेशन होगी, इस तरह कुछ भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद अगर आपने कोई फिल्टर लगाना है तो इसमें फिल्टर भी है काफ़ी सारे, भी बहुत सारे फिल्टर है, वो भी आप देखते हैं फिल्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा भी है, वो फिल्टर मीन फिल्टर ये ऊपर आइकन पर जाके उधर डाउन वीडियो अपलोड एक्सपोर्ट कर दो, ये प्रोसेस है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।